किधर में तू? अरे मैं यहाँ हूँ। तेरी आवाज तो आ रही लेकिन तू क्यों नहीं आ रहा है? नीचे देख। अबे कल्लू। अरे तू तो स्क्रैप के माल के माफी बिखरेला पड़ा है। तू तो भंडार में बिकने के लायक भी नहीं रहा। ये सब हुआ कैसे? हाँ? तेरे बाप ने पता नहीं क्या पाप किए होंगे जिसकी सजा मेरे को मिली। अबे मेरे बाप के पाप की सजा तेरे को काहे को मिलेगी? तेरा क्या मैथमेटिक्स खराब हो गया क्या? सीधा बोल, ये हुआ कैसे? अरे राजा, अरे धोबी घाट में भी कपड़ों की इतनी धुलाई नहीं होती होगी जितनी मेरी धुलाई हुई है। अरे लेकिन ये सब किया किसने? इस घर में चार चुड़ैले हैं ना, उन्होंने तुझे इस घर से बाहर निकाल के फेंकने का प्रोग्राम सेट किया हुआ था। फंसा मैं। अच्छा अरे कन्नू, वो तरह तरह धुलाई लाए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ओके हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। आंखों से सुन सकता हूँ, कानों से बोल सकता हूँ और मुंह से देख भी सकता हूँ। अरे ये उन चारों कमीनों ने मेरी बॉडी की हिस्ट्री जॉगर में बदल दी यार। अरे कन्नू तू घबरा मत, उन गोपियों ने तेरी बांसुरी बजाई है ना, अरे मैं उन लोगों की बैंड बजा दूंगा। नहीं तब तक मैं बचूंगा नहीं, तब तक मैं बचने वाला नहीं हूँ। पूरे शैतानों ने मिलके फुर्सत में उनको ट्रेनिंग दी है। मेरी बात सुन, जितना जल्दी हो सके तिजोरी में से माल निकाल के निकल लेंगे यहाँ से, वरना आए थे दो पैरों पे, जाएंगे चार कंधों पे। देख कल को अपनी आरती पे हे राम बोलने वाला कोई नहीं है। नहीं अपने को तो लोग हराम ही बोलेंगे ना। बोलते हैं ना फिर। लक्ष्मी दी, हे भाई, ये तक इतना ही। हे भाई 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 भाई, मारी बात तो समझ। हे दानेश्वर सेठ नो बंगलो, यही का बंगला यही है, लेकिन वो रात को बिक नहीं देते, सुबह आना। अरे भाई मारे बात तो समझ, बिकारी न थी। अरे मैं तो सेठ जी से मिलने के लिए आया हूँ, माई सेल्फ इज राजू पटेल। कौन सा तेल? राजू पटेल हूँ, अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से भीख मांगने आया? भीख मांगने नहीं भाई, मैं तो सेठ जी की लड़की के साथ खास शादी करने के लिए आया हूँ अमेरिका से। अच्छा, सेठ जी की लड़की के साथ भी शादी करने आया है? इम्पोर्टेड भिखारी, चल यहाँ से, भाग यहाँ से।
जोश तने ये जोश 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 बाहर जाके बताना चल यहाँ से। राजू पटेल आज सेठ जी से मिलके जाएगा पक्कुच। चल बेटा क्या कर रहा यार उधर कहाँ जा रहा इधर इधर है भाई इधर ये इधर है इधर सीढ़ियों पे अच्छा अच्छा अरे आने तो बाहर अच्छा चल कितने आदमी सो रहे भाई एक आदमी का कराटा नहीं है अरे बाप रे आदमी है टंकी संभाल 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 क्या कर रहा क्या कर रहा ये शहना ये अरे बिस्मिल्लाह खां सुने तो बहुत मारेगा इसको यार नाक में पे पड़ शहना को बदनाम मत कर ये बेसुरी बेसुरी मत कर कमाल आदमी है यार हट जा ये तो घोड़े बेच के सो रहा है बाप घोड़े नहीं तबेले बेच के सो रहा है बाप तबेला बिकने के बाद आदमी ऐसा सोता है इससे भी ज्यादा गहरा मैं काम करता हूँ इसके मुंह में अलार्म लगा डालता हूँ कौन सा अलार्म लगा रहा है लोग जागने का अलार्म लगाते हैं मैं सोने का अलार्म लगा रहा हूँ लगा लगा जल्दी लगा ये मुंह खोलेगा कि नहीं देखता हूँ खोल दिया फर्स्ट क्लास जब तक ये अलार्म बजता रहेगा ना समझ लेना बुड्ढा सो रहेगा चल धंधे में लग जा चला जा आजा आजा मेरे पास इतनी बड़ी तिजोरी यार चोर बाजार में देखी थी एक बार मेरे को मालूम है कैसे खुलती खोल जल्दी मेरे को मालूम है कैसे खुलती ये खोल के ले क्या खोला तूने चल 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 तेरी मालूम तू मार डाल चल मार डाल अरे 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 चल 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 अंदर ले अरे वाह ऊपर कभी नहीं उधर से इतनी लटकी क्यों शमश चढ़ी क्यों लग रहे बुढ़ा अबे आवाज मत कर चल मैं क्या बोल रहा है एक्सक्यूज मी भाई ए तू चुप हो मुझे क्यों मार रहे हो अंकल ये ना तुम्हारे पीछे घोदड़ी में छुप गया था ने अरे सिटीज के मुंह में थी ना तो हमको लगा के ये चोर मैं बत्ती चलाता हूं मैंने ये मोटा भाई चुप चलो ये भाई मैं तो शादी के लिए आता भाई यार तेरी शादी एक मिनट ये भाई मेरा पासपोर्ट और क्या तेरी पासपोर्ट एक मिनट इसको मैंने कहीं देखा है इसको देखा है मैंने कहीं हाँ ये वो एयरपोर्ट वाला भिखारी है अंकल एयरपोर्ट एयरपोर्ट अभी अभी है ना अभी ये चोर बन गया भाई और इसकी हिम्मत तो देखो ये आपके ही घर में चोरी कर रहा है भाई ये रुको नहीं चाहिए मेरे को अंकल अंकल एक बात बोलो क्या तुम्हें पुलिस को फोन लगाओ आने में इसको ऐसा धक्का मारता हूं ये मुझे गरीब का छोटा मोटा ऑफिस नहीं नहीं छोटा मोटा नहीं है काफी बड़ा है लेकिन हमारे अमेरिका के ऑफिस से काफी छोटा है तो सरकार आपके माता है तो वहाँ कितने मुलाजिम होंगे नहीं नहीं मुजरिम कोई नहीं है सब अच्छे घर के लोग क्या बात मुजरिम नहीं मुलाजिम कितने आदमी काम करते हैं आपके ऑफिस नहीं तीन चार तो करते होंगे ना बस लाख की बात कर रहा हूँ लाख शाम को मेरा ऑफिस छूटता है ना तो साला ट्रैफिक हो जाता है
244 तो मेरे गाड़ी के शोरूम है। तो सरकार आप वहाँ से कौन से कारनामे सरंजाम देते हैं? नहीं नहीं हजाम का काम नहीं करते, क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सरंजाम देते मतलब आप कौन सा काम करते हैं? क्या करते अरे पची पीले इनका करते हैं। अच्छा 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 तो आप हवाई जहाज भी तामीर करते हैं? नहीं नहीं तमिलनाडु में नहीं आता है, सब अमेरिका में आता है। उर्दू रहने दो ना यार, तमिल में नहीं मतलब हवाई जहाज बनाते हैं आप? नहीं नहीं हम लोग तो केटरिंग का काम करते हैं ना। अच्छा, खाना सप्लाई करने का। तो हुजूर आपका कारोबार सिर्फ अमेरिका तक ही मुंजमद है? अरे मस्जिद का तो पूछो नहीं, इधर मेरा घर है ने सामने मस्जिद। अरे मस्जिद तुमको मना किया था उर्दू यार, मुंजमद मतलब आपका कारोबार सिर्फ अमेरिका में है या बाहर भी है? नहीं नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, ऑल ओवर अमेरिका में, कनाडा में, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, चाइना। अच्छा मतलब चाइनीज लोगों से काफी लेन देन है? अरे जापानी लोग का तो मेरा पूछो नहीं, उन लोग के साथ तो मेरा इतना अच्छा है ना छोटा नाक वालों का, कि जब मैं बात करता हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि गलती से इसका नाक बड़ा हो गया, वरना ये तो एकदम फ्लैट है जापानी। ऊंचू नु यो न्याओ मु चाऊ गाऊ में ऊंचू नु यो न्याओ। Sir, I don't understand your language. Please speak in Hindi or English. Own show no sofa, ofu no own yao. अरे भाई क्या प्रॉब्लम है? सर ये जापान से सेल्स एग्जीक्यूटिव आए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, ये सिर्फ जापानीज बोल सकते हैं और हमें जापानीज समझ में नहीं आती सर, इसके लिए हमें एक इंटरप्रेटर रखना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरे दामाद को अच्छी जापानी आती, देखना क्या प्रॉब्लम। नहीं इतनी अच्छी भी नहीं आती है, लेकिन मैनेज कर लूंगा। हाँ बोलो भाई। तुम्हें वन दिया डायनो सुसान तुम अवस्थी है जन्म शब्द से नहीं या महा। हुजूर इन्होंने क्या फरमाया? ये बोल रहे हैं कि हाँ बहुत नेक आदमी है यार। मैं क्यों उन शेकानो शोयो उन्हें यो न्याओ ओजा जोनी ओयो ने वो आया बीच से बीच। हुजूर इन्होंने क्या फरमाया? इन्होंने फरमाया कि ये फिस्ट म्यूजियम के बाहर कैसे आया? पागल है मैं फिस्ट ये के मोशे चलाशे ये तो मोशे चलाशे अने सैमसंग। अभी ये क्या कह रहे हैं? ये अब कह रहे हैं कि ऐसे 200-400 पीस हमारे देश में एक्सपोर्ट कर सकते हो क्या? उन्हें वो न्याओ सुसुकी सुसुकी इनको टॉयलेट ले जाओ यार, वो सामने टॉयलेट है, बेचारा प्रेशर में आएगा लाइफ में यार। हुजूर अब ये किस चीज में मुब्तिला थे? नहीं नहीं मुक्ति तो जैसे ये टॉयलेट जाएगा ना इसकी मुक्ति हो जाएगी। कितने अच्छे आदमी है, पहले इतना इज्जत दिया बाद में टॉयलेट का पता पूछा। ये जापानीज लोग का पूछो मत, वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। आओ बेटा ये रहा मेरा चेंबर, ये मेरी कुर्सी है और आज से इस पर तुम बैठोगे। नहीं नहीं आपकी कुर्सी पे मैं कैसे बैठूंगा? अरे लोग दामाद को सर पे बिठाते हैं, मैं तो तुम्हें कुर्सी बिठा रहा हूँ। अब आप बोल रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन ऑफिस बहुत कमाल का है हो। माशाल्लाह आप इस कुर्सी पे किसी नवाब वाजिद अली शाह से कम नहीं लग रहे हैं। ये वाजिद अली शाह कौन है? ये कहीं धीरू भाई शाह के रिलेशन में तो नहीं है? इसीलिए मैं तुमको मना करता हूँ, गलत जगह उर्दू मत बोला करो। मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज दिखाता हूँ। श्योर श्योर रीला यार क्या निकलने वाला है अंदर से यार, ये ले ये साला बुड्ढा तिजोरी के अंदर से नोट तो ऐसे फेंक रहे ला जैसे फटी हुई टोकरी में से कोई सड़ेले अंडे फेंक रहा हो। ये तमारी आटली मोटी अलमारी में आटली छोटी नानी मूर्ति शू करे छे? ये छोटी सी मूर्ति मेरी तकदीर का खजाना है, ये लक्ष्मी देवी मेरी तकदीर की चाबी है। तुम्हारा बहुत सॉलिड अटैचमेंट है इस मूर्ति से। लेकिन बेटे सिर्फ नसीब पे भरोसा करने वालों पे ये मेहरबानियां नहीं करती, जो इंसान मेहनत करता है अपना खून पसीना बहाता है उस पर ये अपनी मेहरबानी निछावर करती है। मेहनत का तो बोलो मत, मेहनत तो मैंने बहुत की है, भागदौड़ तो मैंने इतनी की है ना कि 11 मुल्क की पुलिस ने भाई लोग परेशान है कि ये पंटर साला मैनेज कैसे करता है। ये पुलिस और नहीं जोक मार रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हेलो डैडी मैं दुर्गा बोल रही हूँ, राजू है। अरे बेटी तू कहाँ से बोल रही? मैं नीचे उसका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा मेरी बेटी दुर्गा तुम्हारा इंतजार कर रही है? मैं भागता हूँ। बात तो सुनो, मैं भागता हूँ। सुनो तो। नहीं नहीं मैं भाग चुका हूँ।